all right, ladies and gentlemen, um, can you all stand up for a second, please? and raise your right hand where it starts to touch the sky. and then bring it where it touches your back and tap yourself and say shavash. it's very difficult to listen to people for 18 minutes, but here. so it's very brave of you. thank you very much for giving us time. my name is panchi. you can call me panchi. and i want to start today with a little bit of a confession.

वाह wow, वाह wow, बहुत बढ़िया तो माय कन्फेशन हुजूर आला यंग पीपल मोस्टली हियर सम माइट बी माय एज हु डोंट लुक लाइक दैट के आज हम खुद कहाँ खड़े हैं जैसे ही जरा भी समझ पाएंगे तब तो अपने से कम उम्र के दोस्तों को कुछ सिखाएंगे हम खुद आज कहा खड़े हैं जैसे ही जरा भी समझ पाएंगे तब तो अपने से कम उम्र के किसी दोस्त को रास्ता दिखाएंगे हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं ये सोचकर के हम उनसे पहले यहां आए थे उनसे पहले हमने झंडे गाड़े थे उनसे पहले हमने तीर चलाए थे क्या उन्हें सच सच बता दू क्या उन्हें सच सच बता दूं कि यार यहां तक आ तो गया हूं किसी और से राह पूछते पूछते किसी और की कहानियां सुनते सुनते किसी और पे भरोसा किए हुए किसी और का टेडिक सुनकर पर यहां पर यहां जहां मैं अब खड़ा या बैठा हूं यहां से कुछ ठीक ठीक नजर नहीं आ रहा जहां मैं आज बैठा हूं यहां से कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा कौन सी राह कितनी दूर जाती है आगे जाकर कहां रुकती है कहां मुड़ जाती है मुझे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता कौन सी कहानी सच्ची है किस पर यकीन करूं कौन सी कहानी सच्ची है किस पर यकीन करूं किसकी बात पर अपनी बुनियाद रखूं कौन से सोच के टुकड़े को जमीन करूं कौन सी कहानी सच्ची है किस पर यकीन करूं मुझे खुद भी नहीं मालूम तो कन्फेशन यह है कि जो भी मेरी उम्र का आदमी या औरत आपको आके आके कहेगा और मुझसे सब कुछ सीखो उसको तो पहले बाहर निकाल दो क्योंकि एक्चुअली ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता होता हमने आपसे थोड़ा पहले हम दुनिया में आए हैं आपसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है और कोशिश ये करनी चाहिए कि उस बंदे को समझ के मतलब विद अ लिटिल बिट ऑफ यू नो पिंच ऑफ सॉल्ट यू शुड टेक एनी वन ओपिनियन और हर एक का ओपिनियन सिर्फ ओपिनियन है इस बात से हम शुरू करते हैं तो माई यंग फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड जेंटलमैन आई राइट होपफुली इजी टू अंडरस्टैंड पोइट्री इन हिंदुस्तानी और येवलप ने मुझे काफी एक्चुअली परेशान किया क्योंकि माई ओन इंटरेस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज मूवड अवे फ्रॉम पैसे गाड़ी मकान खूबसूरत बीवी चार पाँच वर्ल्ड टूर एंड इट हैज काइंड ऑफ मूव टूवर्ड्स हमें किस किस्म की सोसाइटी बनानी चाहिए किस किस्म की हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए किस तरह लोग एक दूसरे से पेश आए किस किस्म का देश हम चाहते हैं किस किस्म की किस्मती है you know, kind of मेरे एक बड़े कमाल के उस्ताद साहब है उनका नाम है अंबर खरबंदा और मैं जहां भी जाता हूं सबसे पहले उनके इस शेर से बात शुरू करता हूं और शेर यूं है कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता है ना तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ऑथेंटिक कम्युनिकेशन इज द की टू सॉल्विंग मोस्ट लेकिन मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता तो जरूरी यह है और जब कभी आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप कह सकते हो दूर से हाथ उठा के वाह वाह ये तो मुझे पता ही नहीं लगेगा आपने शेर सुना नहीं सुना है।, है ना तो बहुत ज्यादा स्टिफ होने की जरूरत नहीं है है ना uh, um, हमें कम्युनिकेट किस तरह करना है दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज द फैक्ट दैट वी हैव टू कम्युनिकेट ओके सो दैट्स व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद मैं सोच रहा था कि अगर मैं आज वक्त में पीछे जा पाता जो आप सवाल पूछ रहे तो खुद को कॉलेज में कॉलर पकड़ के क्या बताता किसी ना किसी बिजनेस या अपना कारोबार ये चलाने का सारा सामान होने के सिवाय और जिंदगी किन चीजों से चलती है क्या समझाता आज हर नए जवान शख्स के करिकुलम में और कौन सा सब्जेक्ट मिला था क्या समझाता क्या बताता तो मेरी दो तीन छोटी छोटी पेशकश है आज एंड बिकॉज आई राइट ऑफ राइम आई एंड प्रेजेंट देम इन राइम टू यू तो मुलाजा फरमाइए तो पहली पेशकश ये है जेंटलमैन uh,

Uh, are made when we feel at work or uh, you know in class we fall in and out of love uh, when we feel in class and in office um, we feel happy we feel relief we feel amusement we feel excited and peaceful we feel satisfied and proud and lonely and heartbroken and gloomy and disappointed and hopeless and lost and troubled and miserable in class and at work uh, we feel worried, we feel doubtful, we feel nervous, we feel anxious, terrified, desperate, confused, stressed. We feel the same things at work and you know in class. And yet, none of us gets even one class through the year. जो कि हमें बताती है कि साहब फीलिंग्स पता है इतने सारी चीजों से बनती हैं या फीलिंग्स इतने किस्म की होती हैं कि यार आज साढ़े तीन बजे मैम आएंगी वो क्लास लेंगी कि हमारी फीलिंग्स कितने टाइप के इट एग्जिस्ट इन अ करिकुलट्स टूस्ट आर इनिटी आर अबिलिटी टू फील एंड ऑफ द बिगेस्ट मस्ट ट्राई एंड पुश हाउ टू बी जस्ट हैप्पी एम्पथेटिक वर्क ऑन एम्पथी लेकिन एम्पथी वर्ड के नीचे कितने सारे सबसेट हैं उसकी पूरे आई थिंक तीन साल में एक भी क्लास नहीं है इस पर शुरू कहाँ से करें दूसरी हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की क्या दुनिया की पहली ट्रेजिडी थी हमारी अभी भी है इज दैट वी आर अ सेम बेस्ड कल्चर Uh, हमारे घर वाले क्या कहेंगे मोहल्ला क्या कहेगा हमारे दोस्त क्या कहेंगे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैं अंग्रेजी बोलूँ या हिंदी बोलूँ मैं अंग्रेजी में कविता लिखूँ या हिंदी में कविता लिखूँ मुझे किसी हॉस्पिटैलिटी स्कूल में जाके अंग्रेजी में कविता सुनानी चाहिए या हिंदी में सुनानी चाहिए मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे ये सब यू नो शर्म पैदा भी कर सकते हैं और इस सबसे हमें उठना भी पड़ेगा हमारी वैल्यूज क्या हैं हमारी पर्सनालिटी क्या है क्या हम इतने सेल्फ अवेयर हैं कि हम ये समझ सकें कि हम एक्चुअली जिंदगी में करना क्या चाहते हैं इस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बात की जाए तो मुलाजा फरमाइए कि जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है यह सवाल पूछना जरूरी है जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है यह सवाल पूछना जरूरी है सुबह से शाम का सफर पल में कट जाता है या हर मिनट एक मजबूरी है यह सवाल पूछना जरूरी है बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक है बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक हैं वही एनवल करेंगे सारे इनाम अब उनके रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हों तो क्लास में नीचे के तीन किस लायक हैं और यही सिलसिला फिर कॉलेज में करियर में चलता है और हम चाहे ना चाहे हर इंसान किसी बैच किसी क्लास में ढलता है और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है अब याद तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है या फिर यह समझाओ कि जो एनवल पुश कर रहा होता है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं भाता है है ना आयरनी जिंदगी की है ना आयरनी जिंदगी की जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है है ना आयरनी जिंदगी की जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे, आगे आगे रहती है जहां रुक के एनवलप पुश करना शुरू कर दो रुक के जीना शुरू कर दो ये देखो साथ साथ बहती है तो है ना आयरनी जिंदगी की तो दोस्तों क्या वेट करना बंद करें क्या वेट करना बंद करें जिंदगी की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें यार एक नई क्लास बनाते हैं यार एक नई क्लास बनाते हैं जो खुद को समझकर अपने टाइप की जिंदगी अपनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं पता है उसको कॉन्शियसली कैसे जीना है वो कर पाते हैं ऐसी राह पर चलते हैं चलाते हैं फॉर अ चेंज उनको क्लास स्टॉप कराते हैं एक नई क्लास बनाते हैं और जो अभी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं जो अभी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं अपने ही क्लासमेट हैं कनपट्टी के नीचे दो लगाते हैं प्यार से थोड़ा बिठाते हैं अपने क्लासमेट हैं समझाते हैं क्लासमेट होने का फर्ज निभाते हैं यार एक नई क्लास बनाते हैं और हर आदमी तो इस क्लास में अभी अब भी अव्वल नहीं आएगा हमें पता है पर हर आदमी तो अब भी इस नई क्लास में अव्वल नहीं आएगा हमें पता है लेकिन ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जो खुद से शुरू करके दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं वही थोड़ी बहुत दुनिया बदल भी पाते हैं

Uh, पूसा नई दिल्ली का पढ़ा हुआ आई ऑल्सो केटरिंग स्कूल और मेरे एक बड़े अच्छे टीचर थे शेफ मनोज कुमार uh, इंतकाल हो गया उनका वो मेरे से अक्सर चीजें कच्ची रह जाती थी या ज्यादा पक जाती थी एंड ही ऑलवेज टू से रेसिपी वेसिपी तो ठीक है विनीत थोड़ा प्यार भी डाला कर यार तो उसके ऊपर बेस्ड थी छोटी सी नजमें आई थॉट विल बी वेरी अप्रोप्रियट हियर कि धीमी आंच पे कुछ रिश्तों को धीरे धीरे पकाया है और जो मेरी सेकंड पेशकश है वो ये है कि

जितना सिका है एक तरफ से अच्छा रिश्ता तब तक है जब पलटा जाए उतना ही वक्त लगाना पड़ता है रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है खुल के बातें करता है कैसे ये पकना चाहता है खुद ही ये बतलाता है, है कब इसमें क्या डलना है कब हिलना है कब रुकना है कब इसको दम देना है ऐसे हालातें करता है रिश्ता भी कोई कम थोड़ी है खुल के बातें करता है ये भी सच है कभी उबलकर गर्द भी ऊपर आती है ये भी सच है कभी उबल कर गर्द भी ऊपर आती है जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी इसको, इसको बस हटाते रहिए इसको बस हटाते रहिए ज्यादा देर न रहने दे वरना स्वादी रिश्ते में ये बेस्वादी सी जोड़ेगी जो भी चीज पकेगी कुछ तो अपना निशान छोड़ेगी अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी दो कड़छी हर रोज अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी दो कड़छी हर रोज ये रिश्ते की खूबी है रिश्ता उतना ही रहता है अब चाहे इसमें से ले लो कड़छी दो कड़छी हर रोज ये रिश्ते की खूबी है रिश्ता उतना ही रहता है बस आंच जली हो बस आंच जली हो हाथ रुके ना धीरे धीरे पकने से रिश्ते के बर्तन में जितना था उतना ही रहता है बस आँच जली हो बहुत बहुत शुक्रिया तो ये मेरी दूसरी पेशकश थी और मेरा आज का तीसरा इशारा अब मैंने दो चीजों के बारे में बात की पहली

साफ साफ दिखाई देता है वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है उछलता है झटपटाता है बार बार एक ही राग दोहराता है जिसको तुमने पैदा किया जिसको तुमने पैदा किया शक्ल दी आंखें दी नाम दिया वो जिसे तुमने कभी दुनिया से छुपाया कभी नजरअंदाज किया कभी बुलाया जगाया सुलाया दिल के कोने कोने में बसाया सबकी नजरों से बचकर सहलाया खत्म होने से बचाया वो वो खाब है तुम्हारा वो ख्वाब है तुम्हारा इस ख्वाब को कहां तक लेके जाओगे इस खाब को कहां तक लेके जाओगे कैसे पालोगे क्या दिखाओगे किसको साथ लोगे किसको साथ रखोगे किसको छोड़ जाओगे इस खाब के लिए क्या क्या करोगे कहां तक जाओगे इस खाब की सांसें इस खाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है इस ख्वाब की सांसें इस खाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है यह बड़ा हो गया ना तो अपनी हथेली पर तुम्हें उठाएगा यह ख्वाब है यह बड़े कमाल की चीज है ये ख्वाब है ये बड़े कमाल की चीज है जितना तुम निभाओगे ये ख्वाब कहीं ज्यादा निभाएगा ख्वाबों की आवाज सुनो ख्वाबों की आवाज सुनो ये कहते हैं चलते रहना ख्वाबों की आवाज सुनो ये कहते हैं चलते रहना चाहे जितनी भी आग मिले अब जो भी हो जलते रहना टेढ़ी मेढ़ी इन राहों पर चाहे जो हो ढलते रहना इन हाथों की लकीरों को सच होने तक मलते रहना ख्वाबों की आवाज सुनो ये कहते हैं चलते रहना जलते रहना ढलते रहना बहुत बहुत शुक्रिया तो आई स्टार्टेड दिस दिस टॉक इन विद टू शेयर्स ऑफ माय उस्ताद साहब अंबर खरबंदा साहब मैं आपको फिर याद दिला दूँ मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता और मेरे लिए दोस्त बस इतना ही बहुत था जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता लेकिन इसका एक शोर शेर और है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा वो ये है कि क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता तुम तो बात तो करते कोई रास्ता निकल आता टू ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल टेरेक्स थैंक यू फॉर क्रिएटिंग वेज फॉर ऑल ऑफ अस टू कनेक्ट एंड लिसन टू इच अदर मेरी तीन पेशकश मैंने आपसे कहा था Uh, रिश्ते और तीसरा अगर कोई अच्छा खाब होगा जिसको आप कहते हैं मैं अपनी हथेली पे उठा के चलने को तैयार हूँ तो वो काम आएगा बाकी तो साहब कॉफी वॉफी चाय वाय हम सबकी तरह थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया